चलिए मित्रों, आज हम इंडियन स्पेस मिशन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आज की यह वार्ता हमारी द्विभाषिक होगी, अर्थात बाइलिंगुअल वार्ता करेंगे हम। कल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर टू की परीक्षा है और पेपर टू की परीक्षा में एसए में यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सा मुझे लगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए कुछ लाइनें मैं बता रहा हूँ आपको। स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज़ वेयर इनिशिएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग अर्ली 1960s, व्हेन एप्लीकेशंस यूजिंग सैटेलाइट्स वेयर इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज इवन इन US, विद द लाइव ट्रांसमिशन ऑफ टोक्यो ओलंपिक गेम्स अक्रॉस द पैसिफिक बाय द अमेरिकन सैटेलाइट सिनकॉम 3 डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। भारत में 1960 में स्पेस मिशन या स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष विज्ञान पर शोध या अंतरिक्ष पर शोध की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उन दिनों अमेरिका में भी अंतरिक्ष यात्रा की जो चर्चा थी वह अपने प्रारंभिक स्तर में थी। जापान में टोक्यो ओलंपिक हुआ था 1960 में। उस समय अमेरिका ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से, सिनकॉम 3 सैटेलाइट था जिसके माध्यम से पहली बार इस ओलंपिक का सीधा प्रसारण पूरे विश्व में किया और वहाँ से स्पेस तकनीकी के क्षेत्र में एक भूचाल सा आ गया, या कह लें एक परिवर्तन या शोध की प्रक्रिया की तैयारी शुरू हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारत के स्पेस मिशन का फादर भी कहा जाता है, अर्थात भारत के अंतरिक्ष अभियान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा, परखा और जाना और उसके बाद से ही उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की, परंपरा की शुरुआत की। डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, क्विकली रिकॉग्नाइज्ड द बेनिफिट्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनको स्पार की स्थापना हुई, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसकी स्थापना की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। बाद में 15 अगस्त 1969 में इसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। इसके बाद स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना, DOS 1972 में। यह DOS नोडल एजेंसी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग R&D एक्टिविटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध एवं विकास गतिविधियों के लिए ये कमीशन बनी थी। कोई भी अभियान जब होता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, तो भारत का यह जो अंतरिक्ष अभियान है इसका भी कुछ न कुछ उद्देश्य रहा होगा और बिना उद्देश्य के कोई कार्यक्रम आप सफल नहीं कर सकते। भारतीय अंतरिक्ष अभियान का उद्देश्य कम्युनिकेशन, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ मार्केटिंग भी रहा है। यह जो DOS है इसकी एग्जीक्यूटिव विंग इसरो के माध्यम से ही संचालित होती है। इसके अलावा इसके और भी विंग्स हैं, जो नेशनल सेंसिटिव एजेंसी NRSA है, इसके बाद फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है PRL, यह अहमदाबाद में है, अगली है NMRF, नेशनल मेसोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार फैसिलिटी, इनका काम है कि पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर NESAC, और फिर आगे चल करके इसरो की एक और विंग है जिसका नाम है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का उन्होंने अंग्रेजी में बनाया है ANTRIX। एंट्रिक्स का काम है कॉमर्शियल मार्केटिंग, इसकी स्थापना 1992 में हुई। अब यह जो स्पेस मिशन है, स्पेस मिशन के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, जिनमें से पहला है सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, दूसरा है द स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, और तीसरा है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS, इनको कहा जाता है। सबसे पहले 21 नवंबर 1963 में फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट वॉज लॉन्च्ड। अब यह जो 21 नवंबर 63 में लॉन्च किया गया था वह US अर्थात अमेरिका की मदद से लॉन्च किया गया था। उसके बाद 20 नवंबर 1967 को, ठीक 4 साल के बाद,
फर्स्ट इंडिजिनस जो लॉन्च हुआ वह भारत ने अपना खुद का लॉन्च किया और इसके बाद से ही भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास प्रारंभ हो गया। 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया गया, फिर उसके बाद 1975-76 में अमेरिका के मदद से पहला टीवी ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे चंद्रयान, फिर आगे आया गगनयान, इस तरह से अंतरिक्ष की प्रक्रिया चलती रही। भारत का यह जो अंतरिक्ष अभियान है, यदि हम इसको कैटेगरीज में बांटें तो सबसे पहली कैटेगरी आएगी एस्ट्रोनॉमी मिशन। एस्ट्रोनॉमी मिशन का मतलब है आकाशगंगा में या फिर अंतरिक्ष में उपलब्ध अन्य ग्रहों और तारों की खोज, उसके लिए सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है आर्यभट्ट का जो सैटेलाइट है, इसके बाद आता है स्ट्रेच्ड रोहिणी सीरीज, रोहिणी सीरीज में आते हैं, फिर चंद्रयान वन आया, उसके बाद मेगा ट्रॉपिकेट आया, फिर सरल आया, सरल के बाद मार्स यानी कि मंगल मिशन, उसके बाद आदित्य वन, उसके बाद एस्ट्रोस्टैट आया, फिर चंद्रयान टू आया। इसी तरह से सैटेलाइट में अर्थ ऑब्जर्वेशन, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जो सैटेलाइट हुए, उसमें से भास्कर सैटेलाइट हुआ, फिर इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS कहा जाएगा, इंडियन रिमोट सेंसिंग में IRS 1, LS P1, P2, P3 इस तरह से चले, फिर कार्टोसैट बना। कार्टोसैट के बारे में आप लोगों ने हाल ही में पढ़ा होगा कि भारत ने अंतरिक्ष में एक उपग्रह को, सैटेलाइट को, पृथ्वी पर बैठे बैठे सिर्फ 3 मिनट में मार गिराया। ये उस कैटेगरी का सैटेलाइट था, कार्टोसैट 1, 2, B, उसके बाद 3 निकला, उसके बाद फिर IMS 1 लॉन्च किया, फिर ओसिनोकास्ट अर्थात समुद्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और समुद्र के मूवमेंट्स की जानकारी लेने के लिए ओसिनोकास्ट 1 और 2 बना, इसके बाद रिसोर्स कास्ट 1 और 2 भेजा गया, रीसेट 1 और 2 बना, फिर इसके बाद कम्युनिकेशन एंड वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन एंड वेदर के लिए रेडियन पैसेज पॉलीलोड एक्सपेरिमेंट भेजा, फिर इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट जिसको कहा जाता है, इनसैट 2D, 2E, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E, इस तरह से इसमें 4E तक गया। इसके बाद GSAT भेजा गया, GSAT 7, 8, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, P, 9, 10, 11, 12, 14 और 16 गया, उसके बाद फिर कल्पना भेजा गया। इनका काम क्या था कि पृथ्वी पर चल रहे मौसम के हाल को, और इसका सबसे अधिक उपयोग इस बार किया गया है जब सुनामी जैसी स्थिति पैदा होने वाली थी या फिर एक समुद्री तूफान आने की संभावना बनी थी, समुद्री तूफान आई भी थी, तो उन तूफानों के रोकथाम तो कर नहीं सकते, इसलिए बचाव प्रक्रिया के लिए। और आपने देखा होगा कि पिछले एक वर्षों में जितने भी समुद्री तूफान आए उससे लाखों का जानमाल का नुकसान होने से पहले ही बचा लिया गया, अर्ली वार्निंग, अर्ली वेदर वार्निंग सिस्टम वगैरह जो सिस्टम है वो सब उनमें है। इसके बाद नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक सैटेलाइट, भारत ने अपना खुद का GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS एडेड जियो ऑगुमेंटेड नेविगेशन बनाया है। उसमें इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है IRNSS-1A है। उसके अलावा लॉन्च व्हीकल फ्लीट है, ये जो लॉन्च व्हीकल फ्लीट है, लॉन्च अर्थात यहीं से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। इसमें शुरू शुरू में भारत ने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए, अपने रॉकेट लॉन्च किए, पर अब धीरे धीरे दूसरे देशों के सैटेलाइट भी भारत अपने लॉन्च व्हीकल से लॉन्च कर रहा है। इसमें सैटेलाइट लॉन्च फ्लीट में आपके ऑगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च फ्लीट है, ASLV जिसको कहते हैं, फिर PSLV है, इस तरह के इसमें आते हैं। पर जितनी भी असफलताएं मिली उसके बाद से उन गलतियों से सीख करके उसको सफलता में बदला गया। यह जितने भी अभियान किए गए, इसरो ने किए गए या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो कुछ भी हुआ, उन अनुसंधानों से हमारे देश को आज इस स्थिति में ला खड़ा किया है कि चंद्रयान के बाद मंगलयान पर हमारा चौथा स्थान है और इस तरह से विश्व के गिने चुने देशों में हमारा स्थान आता है। अब जैसे चंद्रमा पे अभी पिछली बार भेजा गया था, पिछले साल भेजा गया था, वह असफल रहा, यदि सफल होता तो यह विश्व, पूरे विश्व का पहला, भारत पहला ऐसा देश होता जिसने इस तरह का अभियान किया है जो चंद्रमा के उस हिस्से में उतरने का प्रयास होता है जहां अभी तक कोई देश उतर नहीं पाया है।
इतना लिखेंगे तो आपका लगभग 400 शब्द पूरा होने को आएगा। इसके बाद अपनी तरफ से कुछ अच्छी बातें लिखते हुए आप इसके समापन की ओर बढ़ेंगे कि मित्रों यह तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा देश की प्रगति बढ़ेगी, उसी प्रकार से धीरे धीरे विज्ञान की प्रगति के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अभियान भी आगे जाता जाएगा और ऐसा संभव हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में मंगल ही नहीं शुक्र सहित अन्य ग्रहों पर भी भारत पहुंचकर वहां पे नए सिरे से जीवन बसाने के प्रयासों में भी योगदान दें।